नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर महाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है, ये बड़ी ज्ञानवर्धक है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस गलती के कारण यमराज को शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। प्रिय दर्शकों, माना जाता है कि यमराज किसी भी गलती को क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन एक बार यमराज से भी ऐसी गलती हो गई थी जिसके कारण उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा था। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि नरक चतुर्थी के अवसर पर यमराज की पूजा क्यों की जाती है और किस गलती के कारण यमराज को शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा था। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में यमराज का पूजन किया जाता है और घर के मुख्य द्वार पर उनके नाम से दीपक जलाए जाते हैं। माना जाता है कि यमराज किसी भी गलती को क्षमा नहीं करते हैं। प्रिय दर्शकों, गलती हर व्यक्ति से होती है, हर देवी देवता से होती है, लेकिन उस गलती का पश्चाताप करना ये सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो व्यक्ति गलती करने के बाद यदि अपनी गलती का पश्चाताप करता है तो प्रिय दर्शकों, उसकी गलतियों पर पर्दा हो जाता है और वो गलती क्षमा योग्य बन जाती है, वो गलतियां क्षमा हो जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल में मांडव नामक एक ऋषि हुए थे जो कि धर्म यज्ञ सत्यवादी और महान तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के बाहर अपने दोनों हाथ उठाकर और मौन व्रत धारण करके और तपस्या किया करते थे। एक दिन मांडव ऋषि अपने आश्रम के बाहर तपस्या कर रहे थे, तभी कुछ लुटेरे वहां पर आ जाते हैं और आकर मुनि के आश्रम में छिप जाते हैं। उनके पीछे ही राजा के कुछ सिपाही लुटेरों को ढूंढते हुए आते हैं। जब सिपाही मांडव ऋषि के आश्रम में आते हैं तो ऋषि से आकर पूछते हैं, कहते हैं कि महात्मा, क्या आपने कोई लुटेरों को यहां से भागते हुए देखा है? शीघ्र बताइए, हम उनका पीछा कर रहे हैं। वही मौन व्रत धारण किए ऋषि कुछ नहीं बोले। तब राजा के सैनिक ने ऋषि के आश्रम की तलाशी प्रारंभ कर दी और चोरी के सामान सहित सभी चोरों को भी पकड़ लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ऋषि मांडव को भी राजा के समक्ष पेश कर दिया गया और राजा ने सिपाहियों की सारी बात सुनने के बाद सभी को सूली पर चढ़ाने का आदेश जारी कर दिया और सिपाही ने चोरों के साथ मांडव ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। प्रिय दर्शकों, मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ते हुए बहुत दिन बीत गए, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। मांडव ऋषि सूली पर लटके रहे लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, वो प्राण नहीं त्याग रहे थे। प्रिय दर्शकों, इस घटना को देखकर, इस दृश्य को देखकर सिपाही इस बात को समझ गए थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। इसके बाद पहरेदार राजा के पास जाते हैं और उन्हें ये सारा वृत्तांत सुना देते हैं। ये सुनकर राजा बहुत घबरा जाता है और तुरंत ऋषि मांडव के पास पहुंचता है। राजा ऋषि मांडव के पास जाकर और उनसे कहता है कि महात्मा जी, हमने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है, इसलिए हो सके तो हमें क्षमा दान दें। प्रिय दर्शकों, ऋषि मांडव बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। इसके बाद महात्मा को सूली से नीचे उतार लिया गया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वे सूली से नहीं उतरे। प्रिय दर्शकों, जब ऋषि मांडव सूली से नहीं उतर रहे थे, सूली में इस तरीके से फंस रहे थे कि सैनिकों से सूली से उतर नहीं पा रहे थे, तब राजा सूली को काटने का आदेश जारी करता है। इसके बाद मांडव ऋषि ने सूली के साथ ही कठोर तपस्या और मृत्यु लोक को छोड़ दिया।
प्रिय दर्शकों, जब राजा सूली को काटने का आदेश देता है तो इसके बाद भी ऋषि मांड्यव सूली को नहीं छोड़ रहे थे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद ऋषि मांड्यव सूली के साथ ही घनघोर तपस्या करते हैं और मृत्युलोक को छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब ऋषि मांड्यव मृतलोक को छोड़ देते हैं और धर्मराज के पास जाते हैं, धर्मराज के दरबार में पहुंचते हैं और उनसे पूछा गया, ऋषि मांड्यव धर्मराज से पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से मुझे ये फल प्राप्त हुआ है। प्रिय दर्शकों, तब धर्मराज मांड्यव ऋषि से बोलते हैं और कहते हैं कि महात्मा, आपने एक पतंगे की पूंछ में सीख गाड़ दी थी, उसी का फल आपको ये मिला है। जैसे थोड़े पुण्य का कई गुना फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार थोड़े से पाप का कई गुना दंड मिलता है। ये सुनकर मांड्यव ऋषि ने पूछा कि मैंने ऐसा कब किया था। प्रिय दर्शकों, तब धर्मराज ने बताया कि आपने ये क्रम अपने 12 वर्ष की आयु में किया था। ये सुनकर ऋषि मांड्यव बोले कि 12 वर्ष की आयु में मनुष्य जो भी करता है उसे अधर्म माना जाता है, क्योंकि उस समय धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। ऋषि मांड्यव धर्मराज से कहते हैं कि धर्मराज तुमने एक छोटे से अपराध का मुझे इतना बड़ा दंड दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शूद्र योनि में जन्म लेकर और मृत्यु लोक में वास करोगे। और ऋषि मांड्यव कहते हैं कि आज से मैं संसार का कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष तक किए गए कर्मों का फल कि 14 वर्ष तक किए गए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, इसके बाद किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के और श्राप के कारण धर्मराज को शूद्र योनि में महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। प्रिय दर्शकों, और विदुर नीतिवान, ज्ञानवान और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। प्रिय दर्शकों, इस छोटी सी गलती के कारण धर्मराज को शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा था, इसीलिए 14 वर्ष तक किए गए दुष्कर्म का कोई पाप नहीं लगता है, 14 वर्ष तक किए गए कर्मों का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कर्मों का जो फल होता है वो 14 वर्ष की आयु पार करने के बाद जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल हमें प्राप्त होता है। 14 वर्ष के बाद यदि हम कोई दुष्कर्म करते हैं तो उस दुष्कर्म का हमें वापिस फल लौट के मिलता है, और यदि कोई हम पुण्य का काम करते हैं तो प्रिय दर्शकों उस पुण्य का भी हमें सवाया लौट कर मिलता है। प्रिय दर्शकों, 14 वर्ष से पहले किए कर्मों का कोई सजा नहीं होती है, कोई पाप नहीं होता है। दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि धर्मराज को शूद्र योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा और किन वर्षों तक, कितनी आयु तक किए गए कर्मों का फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, हम ये आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।